हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा 2021 का PYQ सॉल्विंग और द सिलेबस 11। सो दिस इज़ द शिफ्ट टू ऑफ 20 सितंबर। सो इसमें भी हम लोग ये 6 चैप्टर्स के MCQ सॉल्व करेंगे। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो भी 11th का सिलेबस है वो हमने ऑलरेडी 12th सिलेबस के साथ कवर किया है। सो लेट स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। और डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट दी गई होगी फिजिक्स की, जिसको आप पूरा फिजिक्स का PYQs रिवाइज कर सकते हो उस प्लेलिस्ट के वीडियोस देख के। सो प्लीज़ वॉच ऑल दोज रिकॉर्डिंग्स। एंड और जो भी आपके 2021 के PYQs तो ऑलरेडी मैंने शेयर किए अपने चैनल पे, आप उसे जाके देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ। यहाँ पे आई थिंक थोड़ा मिस्टेक है। ये टी इज़ यूज टू, यहाँ पे एफ है, यूज टू फॉर्म एन इमेज हुज साइज इज़ 1/4 दैट ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सो साइज क्या है, ये वी एम क्या होता है, वी बाय यू। सो आपको ये 1/4 बोला और ये आपका निगेटिव रहेगा। ओके, बिकॉज साइज आपका रियल एन इन्वर्टेड है एंड दैट्स वाई टेकन एज निगेटिव। सो यहाँ पे आपका वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -u/4। आपका लेंस फॉर्मूला क्या, 1/v 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, सो ये वी को यहाँ पे पुट किया तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, -4/u 1/u। ओके, सबका बेस सेम, -5 1/f। सो यू इक्वल टू क्या, -5। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 4 rad/s². एट वॉट टाइम द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी। ओके, सो आपको अल्फा दिया है 4 rad/s², सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या, ar r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, r अल्फा। आपको ये क्या दोनों बोल रहा है, दोनों का दोनों इक्वल कब होंगे, उसका टाइम निकालना है। at इक्वल टू ar, तो दोनों को इक्वेट कर दो। at के r ओमेगा स्क्वायर, r अल्फा, r के आंसर। ओके, अल्फा का वैल्यू क्या है, 4 2 rad/s। ठीक है, आपका ओमेगा क्या होता है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। इनिशियल आपका स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, इसलिए अल्फा टी, ओमेगा का वैल्यू 2। ठीक है, टी इक्वल टू आपका क्या, 2/α। अल्फा का वैल्यू क्या है, 4, ये 1/2 1/2 सेकेंड। करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, सो द साउंड वेव्स आर इन नियर अ लॉन्जिट्यूडनल वेल द लाइट वेव्स आर इन ट्रांसवर्स। तो ये राइट है, बाकी ये तो ट्रांसवर्स ऐसा दोनों है नहीं, और ये भी रॉन्ग है। करेक्ट आंसर वॉज ए, साउंड इज ए लॉन्जिट्यूडनल वेव एंड लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू बॉडीज एम ए एंड एम बी मूविंग विथ स्पीड, एम ए का स्पीड वी ए है और एम बी का स्पीड बी बी है, अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, आपका ये एम ए है, ये आपका वी एड है, इससे जा रहा है, और ये आपका एम वी है, ये आपका वी वी डायरेक्शन से जा रहा है। कोलाइड इलास्टिकली आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, एम ए जो है आपका मूव विद वेलोसिटी वी वी, और आपका जो एम वी है दैट इज मूव्स विद वेलोसिटी वी ए। ठीक है, तो रेशियो ऑफ एम ए इंटू एम वी पूछ या कितना होगा। सो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन से फॉर्मूला क्या था, m1 e1 m2 e2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। सो m1 क्या है आपका, एम ए यू ए, इनिशियल क्या है आपका, सॉरी, सो e1 वी ए है, और आपका एम वी क्या है, वी वी, और यहाँ पे आपका m1 क्या है, ए, v1 क्या है आपका, वी वी, और m2 क्या है आपका, एम वी, और v2 क्या है आपका, एम ए वी ए। सो देखा जाए तो यदि मैं साथ दोनों साइड से इक्वेट कर दो, जैसे कि एम ए है इसको एक साइड लेता हूँ तो ये वी ए माइनस वी वी, और ये दोनों को एक साइड लेता हूँ, एम बी इक्वल टू वी ए माइनस वी वी। सो आपका ये कैंसल। ओके, एम ए बाय एम बी इक्वल टू क्या, 1। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्रिकेट प्लेयर हिट अ बॉल लाइक अ प्रोजेक्टाइल बट द फील्डर कट द बॉल आफ्टर 2 सेकेंड, द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल इज। ओके, सो आपका जैसे कि बॉल को हिट किया और कैच कैच
कैच कर लिया, ये आपको आफ्टर 2 सेकेंड, मतलब ये टोटल टाइम ऑफ ट्रैवलिंग दिया है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट जो कि 2 सेकेंड है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin थीटा बाय g। सो 2 2 कैंसिल, सो u sin थीटा इक्वल टू g, g का वैल्यू कितना है 10, ठीक है, ऐसा 10 लिख लो, ठीक है, पहला हो गया। सेकेंड थिंग, आपको बोला मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u² sin² θ / 2g, ठीक है, आपका u sin थीटा का स्क्वायर अपॉन 2g, ये 10 का स्क्वायर करो, 10 × 10, 2 × 10, h कितना हो गया 5 मीटर, ठीक है, करेक्ट आंसर इज b। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसाइड अ वेसल फिल्ड विथ लिक्विड अ कन्वर्जिंग लेंस इज प्लेस्ड एज शोन इन फिगर, आपका एक कन्वर्जिंग लेंस है, द लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर इन एयर एंड हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, इफ द लिक्विड हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 9/5, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज गिवन बाय, इन लिक्विड इज गिवन बाय। सो आपका फोकल लेंथ इन एयर 1/f इक्वल टू आपका एन, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका जो भी एयर में है तो केवल एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब ng ही आएगा आपका, 1/r - 1/r2, ठीक है। दूसरा आपका फोकल लेंथ, यहाँ पे हो जाएगा ग्लास का फोकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर -1, 1/r - 1/r2, आपका ये कैंसल, ये दोनों का आपने रेशियो लिया 1:2 का, ठीक है, f′ / f। सो क्या हो गया यहाँ पे, f′ के लिए आपका क्या आया, ng(w-1), आपका ng-1, ओके। सो यहाँ पे ng-1 एंड यहाँ पे क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, आपका ng/NW-1, ओके। सो आपका f′ / f, ng कितना दिया, 3/2 - 1, आपका ng कितना है 3/2, NW कितना दिया है 9/5, उल्टा करेगा तो कितना आएगा 5/9 - 1, ये कितना हो गया आपका हाफ हो गया, इधर आपका 3/5/6 - 1, ये हाफ कितना हो गया आपका, इधर -1/6 कितना हो गया -3। सो f′ क्या हो गया -3f, f का वैल्यू कितना हो गया 15, कितना हो गया -45 सेंटीमीटर, करेक्ट आंसर वॉज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस विथ थ्राइस द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ओके, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अर्थ सरफेस विथ थ्राइस द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ओके, आपका 3v है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी व्हेन इट विल एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल, ओके। सो आपका इनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² ओके, इतना रिक्वायर्ड रहता है, बट आपको फेक कितनी स्पीड से रहा है वो 3b, मतलब डबल, तो उसको रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी इतना है बाहर निकलने, बट उसको हम लोग दे कितना रहे 3b, मतलब उसका स्पीड कितना हो जाएगा 3b² या आपका काइनेटिक एनर्जी 1 है या आपका काइनेटिक एनर्जी क्या है 2 है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो भी दे रहे हैं वो आपका एक्स्ट्रा एनर्जी हम उसको जो भी दे रहे हैं वो आपका क्या होगा, उसके पास मतलब अर्थ से निकलने के बाद काइनेटिक एनर्जी रहेगी, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 - काइनेटिक एनर्जी 1, आपका हाफ mv² ये आपका काइनेटिक एनर्जी रहेगा अर्थ के अट्रैक्शन से निकलने के बाद, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी जब भी हम उसको अर्थ से फेंक रहे हैं, तो ये आपका 3 3 9, 9 × ½ mv² ये आपका काइनेटिक एनर्जी जब हम उस अर्थ, ये मिनिमम काइनेटिक एनर्जी अर्थ के सरफेस से निकलने के लिए, हाफ mv² ये कितना हो जाएगा 8 × ½ mv² हाफ mv². सो आपका मास मास कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, v² इक्वल टू 8v², सो v कितना हो गया आपका 2√2ve, करेक्ट आंसर कितना हो गया c। नेक्स्ट क्वेश्चन, द
डेप्थ एट विच एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी बिकम जी बाय एन, आपको वो निकालना है। जी डी क्या हो गया? जी बाय एन। जी डी का फॉर्मूला क्या है? जी वन माइनस डी बाय आर, जी बाय एन, जी वन माइनस डी बाय आर। ओके, ये वन बाय एन, वन माइनस डी बाय आर, डी बाय आर इक्वल टू वन माइनस वन बाय एन। ओके, एन माइनस वन एन, डी इक्वल टू आर एन माइनस वन बाय एन। करेक्ट आंसर विल बी ए। ओके, सो इस तरह हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट आई थिंक 9 टोटल 8 क्वेश्चन सॉल्व किए, वो 6 चैप्टर के। सो इस तरह हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 21 सितंबर शिफ्ट 1 का नेक्स्ट सेशन में। सो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए एंड प्लीज़ वॉच ऑल द रिकॉर्डिंग्स ऑफ 2021 PYQs, आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है। एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।